कल हम लोग बहुत थक गए थे, तो थकने के बाद हम सो गए थे, हमें पता नहीं चला। रात शाम को सोए थे, 6 बजे उठे हैं सुबह के 7 या 8 बजे, टाइम याद नहीं है। और बाल काफ़ी थक गए हैं, कल रात से खाना नहीं खाया है, तब खाना खाने जा रहे हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करें। रूम से चेकआउट कर रहे हैं, चल अब तो गाइज़ हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं, ऑटो वाले अंकल जी हमें लेके जा रहे हैं, और हम लोग पार्किंग में पहुंच भी गए हैं। देख लो गाइज़ कितनी बड़ी पार्किंग है, छोटी मोटी मार्केट भी लगी हुई है, आप देख सकते हो। और ये लाड साहब जी आगे आगे भागे जा रहे हैं, और मैं पीछे पीछे उनके साथ कैमरा ले लेके, कैमरा मैन से लुका रही है मेरी। देखो गाइज़ अभी आपको अपना फ्रेंड दिखाती हूँ। तो गाइज़ ये रास्ता है, पीछे देख लो, बहुत अच्छी आवाज़ आ रही है, देख लो। तो गाइस हम पहुंच गए हैं बाबा धनसक, तो आप देखते रहो। तो गाइस इस पानी में लोग अपना मनोकामना पूरी करने के लिए सिक्के वगैरह डालते हैं, जिससे मनोकामना पूरी। और ये मंकी देख लो, कुछ ना कुछ ढूंढ के खा रहा है, बहुत शरारत। तो गाइस ये है बाबा धनसक जी की गुफा, बहुत ठंडी है, और इसमें शिवजी जी विराजमान भी हैं, उनकी पूजा करते थे ये। ये देखो गुफा बहुत ही ठंडी, लक्ष्मी माता भी थी इनके अंदर, हमने दर्शन किए थे, बहुत ही अच्छे। तो गाइस हम लोग दूसरी जगह आ गए हैं दर्शन करने, और ये देख लो कितनी जगह यहाँ पे प्रसाद लेने के लिए जगह है, जो कि हमने ले लिया प्रसाद माता के लिए, और आगे हम चलते हैं प्रसाद को लेकर। देखो ये सीढ़ियाँ उतर रहे हैं माशा, हम भी पीछे पीछे उतर रहे हैं। ब्लॉग गाइस मैं ही बना रही हूँ, और ये देख लो क्या कर रहे हैं, इनकी हरकतें देख लो, ये कर रहा था यहाँ, पैर धोए जा रहे हैं इनके, कह रहे मुझे रिलैक्स मिलता है पैर धो के, यहाँ पे ठंडा ठंडा पानी है, पहाड़ों पे से आ रहा था गाइस, तो मैंने तो नहीं धोए, मैं आगे चलती रही, दुकानों को भी मैं कवर करती रही अपने फ़ोन के कैमरे में, ताकि आप लोग देख सको। और यार मेरी हालत बहुत ख़राब थी, क्योंकि मैं वैष्णो देवी चढ़ाई की थी ना, उसकी वजह से, तो मैं धीरे धीरे चल रही थी, उतर रही थी, मतलब मेरी हालत इतनी ख़राब है, देखो गाइस चला नहीं जा। जम्मू में ही, और बहुत अच्छा मंदिर है, यहाँ पे स्विमिंग पूल है आदमियों के लिए भी, औरतों के लिए भी, और बच्चों के लिए भी, नहाने के लिए सिर्फ तीन स्विमिंग पूल है,
और बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है यहाँ पे भी। सो गाइज, ये हमारा चौथा मंदिर है जिसमें हम दर्शन करने आए हैं, और ये तो गाइज हमारा ये पांचवा लास्ट मंदिर है जो कि ऑटो वाले अंकल ने हमें बोला था पांच मंदिरों में दर्शन करवाऊंगा, तो हम यहाँ दर्शन करने आए हैं माता के, बाबा जी के, और हम यहाँ पे माथा टेक के फिर हम यहाँ चलो अब खाना खाते हैं आधा घंटे मतलब एक घंटे में जो खाना खाओ। और सुबह से मेरा ना पागल बना रखा है इस इंसान ने पागल बनाया है ये इंसान कह रहा है मेरे को कि हमारी 8 बजे की ट्रेन है आज, और मैं सुबह से 11 बजे से होटल से बाहर निकाला हुआ घुमाए जा रहे हैं माता के दर्शन, 9 देवियों के दर्शन, उस देवी के दर्शन, उस देवी के दर्शन, ठीक है एनिवर्सरी वाले दिन देवियों का दर्शन करा एक थाली मंगवाई अभी ताकि अगर टेस्टी होगी तो हम उसे थाली लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे क्योंकि पैसे वेस्ट करने वाली बात है तो इसलिए। और गाइस आपको मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है तो बताना कमेंट करके बिल्कुल ज़रूर, क्योंकि मेरा ब्लॉग अभी मेरी शुरुआत है, ठीक है। और मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है वहाँ भी जाके मुझे फॉलो करो, मेरी 2 आईडी हैं, एक हरजीत मान 9899 और एक है हरजीत मान ब्लॉगर के नाम से, तो भाई उसमें जाकर फॉलो कर लो मुझे। और एक बात और बताऊँ, एक आईडी और है केशव, इसको भी जाके फॉलो कर लो, 1000 करा दो, फिर मुझे वहाँ पे जाके एरोप्लेन में ये मुझे खाना खिलाएंगे और मेरी पार्टी हो जाएगी और मैं दिखाऊँगी भाई मुझे क्या क्या इन्होंने खिलाया वहाँ पे, ठीक है। देखते रहना ब्लॉग और देखते हैं आगे। वेट करना है 4 घंटे, इनको पटाने का एक ही तरीका है कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड नहीं पिलाना है। देख लो गाइस कंजूस, चले खाना खाने। गाइस हम जब जा रहे हैं यहाँ पे खाना खाने, ये देखो यहाँ पे ट्रेन के अंदर ही एक कैंटीन बनी हुई है, यहाँ पे खाना है तो देखते हैं भाई। अगर मैं डोसा नहीं खाऊंगी भाई, यहाँ का डोसा अलग अलग तरीके का बनता है, मीठा मीठा सा, मेरे बस की नहीं खाने की।